भाई मैंने तो ना ये ढेरों शामी कबाब भर के ना फ्रीजर में रख दिए, जहां कोई मेहमान आया ये फटाफट फ्राई किए और चाय के साथ रख दिए। ये नहीं कि खाली खुली चाय जो है ना मेहमानों के मुंह पे मार दी। अब भला बताओ ये सेब और चाय का क्या जोड़? मुझे लगता है कि अम्मी हमारे घर में ना बोर हो जाती हैं, फरज से भी ज्यादा बात नहीं करती, तो आप और नसीब भाई आके उन्हें ले जाए ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो खुद शुरू से यही चाह रही थी कि अम्मी हमारे साथ रहे। अस्मा भाभी का फोन आया था, आ जाएगी कॉल, तो तुम कर लो ना। मैं नहीं कर रहा। अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि मैं बार बार फोन करके कहूँ कि मेरे घर आकर अम्मी को ले जाओ। अम्मी अभी भी नाराज लग रही थी, इसीलिए मैं सीधा ही बाहर आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा अस्मा माँ भी आज आई क्यों नहीं। कल मैं खुद ही फोन कर लूँ। नहीं तुम फोन मत करना, मैं खुद बात कर लूंगा। पागल हो गई है। अरे 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 आ गए तुम दोनों, हो गया वकील का काम? हाँ फाइल पे साइन वाइन तो करवा लिया हमने। नसीर फ्लैट कब काम होगा रक्षी के? आंटी कम से कम 3 महीने तो लगेंगे। इतनी देर? इतना टाइम लगेगा क्या? आंटी सबलीस होनी है, अब डायरेक्ट रक्षी के नाम पर होगी। अरे तो ये सब क्या जल्दी नहीं हो सकता? तुम्हें क्यों तंग कर रही हो नसीर को? बेचारे कर तो रहे हैं जो कुछ भी आप कहती जा रही हैं। अरे भाई मैं तंग क्यों करूंगी उस बेचारे को, मैं तो ये चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके तुम लोगों के सारे काम जल्दी जल्दी हो जाए। एक काम करो नसीर, उतनी देर में तुम दोनों शादी की शॉपिंग वॉपिंग कर लो, ये काम भी निमट जाएगा। जैसे आप कहें आंटी। अरे नहीं बेटा मैंने क्या कहना है, अब इसकी ससुराल तो है नहीं, जो इसकी बरी भी बनाएगी और जहेज भी बनाएगी, इसकी बरी भी मुझे बनानी होगी और जहेज भी। नहीं नहीं आंटी परिवारी का कोई चक्कर नहीं है, मैं रक्षी को अच्छी से अच्छी शॉपिंग कराऊंगा। बेटा अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे, मुझे तो अभी भी डर सा लगा रहता है कि अल्लाह ना करे तुम दोनों को किसी की नजर ना लग जाए। अच्छा मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई। नसीर बेटा वो परवेज क्या कह रहा था, वो जो फ्लैट की बात कर रहा था, यानी क्या कह रहा था, फ्लैट का कुछ बोल रहा था, तुमने लेना है या देना है, क्या बना उसका? जी आंटी उन्होंने मुझे डिटेल्स भेजी थी, मैं देख नहीं सकता। अरे देखने की जरूरत भी नहीं है, एक नंबर का फ्रॉड है वो, 3 लोगों को जाली फाइल दे चुका है वो। क्यों मामा? नहीं मैंने तो उनकी बहुत तारीफ सुनी है, बल्कि जमाल भाई को फ्लैट उनके बड़े भाई ने ही दिलवाया है। क्या क्या क्या, जमाल भी जानता है परवेज को? ये तो बड़ी परेशानी वाली बात। नसीर कहीं ऐसा ना हो कि वो परवेज सब कुछ बक दे जमाल भाई के सामने, तुम ना उसका नंबर ही ब्लॉक कर दो। हाँ 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 कर दिया। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम वासिफ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ?
भाभी आप आई नहीं? हाँ बात की थी मैंने नसीर से, लेकिन तुम्हें तो पता है ना अपने भाई का। क्या क्या कहा नसीर भाई ने? हेलो भाभी। हाँ वासिफ, तुम तो जानते हो अच्छी तरह अपने भाई को। मैंने उस वक्त कहा था लेकिन वो गुस्से में थे तो उन्होंने मना कर दिया, मगर मैं करूंगी दोबारा बात उनसे। मना कर दिया? क्या मतलब? वो कह रहे थे कि अम्मी को यहाँ मत लाओ, मगर तुम फिक्र नहीं करो मैं दोबारा उनसे बात करूंगी। ठीक है मैं आपकी कॉल का वेट करूंगा। अच्छा ओके खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मुझे तो ये बात अब पता चली है कि जमाल भाई उस परवेज को जानते हैं। अरे मैं तो खुद ये बात सोच रही हूँ कि इस परवेज को और नसीर को तो आपस में मिलना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। बेटा तू तो जितना पैसा इससे खींच सकती है ना नसीर से खींच दीजा मेरा बेटा। अरे कम अज कम फ्लैट तो अपने नाम करवा ले। फिक्र ही नहीं करो मामा, इस बार ना नसीर को अपने हाथ से जाने नहीं दूँ। रुके मैं तो सोच रही हूँ कि अपनी शादी की बात भी बता दूँ। अल्लाह ना करे, ये क्यों मेरा खाना पीना हराम कर रही है? मेरे हलक में चावल फंस गए हैं तेरी इस बात की वजह से। अरे ओ बेवकूफ लड़की, ये बात हरगिज नहीं तुमने करनी। अच्छी तरह उससे शॉपिंग कर, उससे खा पी लूट, इसी बात पे लगा के रखो, टाइम गुजरता जाएगा। चलो खा। सुन रात को मैं ये नहीं खाऊंगी, मुझे चिकन टिक्का मंगवा के दे, मंगा देंगे। ये तो कोई बात नहीं हुई, तुम नसीर भाई को अभी फोन करो। यार अस्मा भाभी ने बोला तो है कि वो बात करेंगी। अस्मा भाभी बात टाल रही हैं और कुछ नहीं है। अम्मी से सब लोग दिखावे की मोहब्बत करते हैं, कोई भी उनको अपने पास रखना नहीं चाहता है। तो मैं क्या करूँ यार? हम अम्मी को खुद छोड़ के आते हैं। ऐसे क्या देख रहे हो, सही तो कह रही हूँ मैं। यही बात डिसाइड हुई थी ना कि सब भाई एक एक महीना अम्मी को अपने साथ रखेंगे, तो हमारा तो महीना पूरा हो गया। अब मैं सो रही हूँ, तुमसे बात करने का वैसे भी कोई फायदा नहीं, सुबह जल्दी उठना है, लाइट बंद कर देना। तुम पसंद करो है ना? अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। अच्छी लग रही है? Keep the wells. बस ये। तो ठीक है फिर ये बारी फाइनल है, पैक करवा दो। सर इसे प्लीज पैक कर दें और इस थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो बस ये रिंग ले ली है, पूरा सेट नहीं लोगी क्या? लेंगे ना, जब वेडिंग ड्रेस ले लेंगे ना तो एक लंबा सा बड़ा सा गोल्ड का सेट लूंगी मैं।
ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। खुश हो ना? ये क्या कर रही हो तुम? अम्मी तो आपको एक महीना हो गया ना घर पे, तो आज वासिफ आपको नसीर भाई के यहाँ छोड़ के आ जाएंगे, बस इसीलिए आपका सामान रख रही थी। तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। दादी देखिए, मुझे एक्सीडेंट मिला है। दादी आप हमारे घर में ही रहेंगी ना? शाज़ेब, दादी को तंग मत करो। आप जाओ, अपना होमवर्क करो, मैं आ रही। अम्मी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हस्मा, मैं तो दरबदर हो गई। एक बेटा मुझे दूसरे के हाथ ले जाता, दूसरा तीसरे के हाथ छोड़ देता। बस मैं तो दुआ कर रही हूं कि जल्दी तुम्हारे अब्बू मुझे अपने पास बुला लें, मेरा कोई ठिकाना तो हो। कहां से ढूंढ कर लाए भाई माशाल्लाह बहुत ही अच्छे कपड़े हैं, अल्लाह मेरी बेटी को पहनना मुबारक करे। अभी तो मैंने शादी और वलीमे के जोड़े नहीं लिए। अरे भाई तो कब लोगी? जितने भी कपड़े खरीदने जल्दी से खरीद लो ना, टेलर का पता है ना, कपड़े तो वो ले लेता है लेकिन सी के वो बहुत लेट देता है। वो तो वैसे भी अब सी के नहीं देगा। अरे तो क्या हुआ, नसीर की बीवी से सिलवा लूंगी। क्यों, तुम्हारी बीवी भी तो कपड़े सीती है ना? अरे मजाक कर रही है तुम्हारे साथ। मजाक कर रही, लेकिन अगर मैंने वाकई उसे कपड़े सीने को दिए तो वो सी के देगी या मना कर देगी? हाँ लेकिन मैं कहूंगा क्या कि किसके कपड़े? कह देना कि मैं अपने दोस्त की मंगेतर के कपड़े लाया हूँ।
क्यों तंग कर रही हो बच्चे को खामखा में है? मजाक कर रही हूं। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात? आज नहीं तो कल सबको पता चलेगा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, फिर क्या करोगे? वैसे अगर तुम्हारी बेगम ने मेरे कपड़े सी दिए ना, तो मैं इस दुनिया की पहली दुल्हन होंगी जिसके कपड़े उसकी सौतन ने सिए होंगे। दिखाओ रिंग। अम्मा ये देखो। दादी आपको पता है आज मैंने क्लास में स्पीच दी थी और सबने मेरी तारीफ करी थी। शाबाश बेटा, माशाल्लाह। दादी अब आप मुझे आरसी कार्ड लाके देंगी ना? शाहजेब मैंने आपसे कहा था ना मैं ला दूंगी, दादी को तंग मत करो। अम्मी खाना लगा दूं आपके लिए? नसीर को तो आ लेने दो, उनको तो देर हो जाती है आने में। तुम शाहजेब को खिला दो, मैं बाद में खा लूंगी, अभी तो वैसे भी भूख नहीं है। अच्छा क्या बेटा, मुंह हाथ धो लो और खाना खाओ। अस्मा भाभी कुछ अलग से कह तो नहीं रही थी? मैं फौरन निकल आया था वहां से। मुंह तो बन गया होगा उनका? बिल्कुल भी नहीं, वो ऐसे नहीं है, वो दिल से सबका ख्याल रखती है। वैसे भिंडी काफी अच्छी बनी है आज। अम्मी ने बनाई थी। अम्मी मैंने आपसे कहा था उनका इंतजार मत करें, उन्हें देर हो जाएगी, देर कर देते हैं वो आने में, हम खा लेते हैं। क्या रोज ही देर से आता है ये? कहां देर लगाता है इतनी? मेरे लिए तो अच्छा ही है वो, मैं आराम से अपने सिलाई का काम कर लेती हूँ, वरना वो घर में होते हैं तो मुझे सिलाई मशीन नहीं चलाने देते। तुम्हें तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता हूं। अम्मी वो आएंगे तो कुछ कहिएगा मन, जो है जैसा है ठीक है, आप खाना शुरू कर। आसिफ के लिए भिंडी पकाई थी आज मैंने, सोचा था खाएगा तो खुश होगा। पर खाना खाने से पहले ही वो मुझे यहां छोड़ गया। बेटों पर बोझ बन गई हूं ना मैं। नहीं छोड़े हैं, आप खाना खाएं। तुमने मुझे रिजेक्ट किया था, यहां तकलीफ होती है।
तुमसे अपनी इंसल्ट का बदला लेने का इरादा तो मैं बहुत पहले कर चुका था, क्योंकि तुम्हारे जैसी घमंडी और मगरूर लड़की। इसकी आवाज कम करो यार, मेरे सर में दर्द हो रहा है। वेस्ट नहीं करना चाहता था। क्या बात है वासिफ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुमने खाना भी सही से नहीं खाया। मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाऊं? नहीं पीने मुझे चाय, सोने दो। तुम्हारा इंतजार कर करके हमने खाना शुरू किया है। मैं खाना खा कर आया हूं। कहां कहां खा कर आए हो तुम? तुम्हें तो बेटा घर आके खाना चाहिए अपनी बीवी और बच्चे के साथ। बस हो गई शुरू, आप लेक्चर देना। आ गए बेटा, तुम्हारा इंतजार कर करके हमने खाना शुरू किया है। मैं खाना खा कर आया हूं। कहां कहां खा कर आए हो तुम? तुम्हें तो बेटा घर आके खाना चाहिए अपनी बीवी और बच्चे के साथ। बस हो गई शुरू, आप लेक्चर देना। अस्मा जी, आ रही हूं। जब मैंने तुमसे कहा था अम्मी को यहां मत लाओ तो क्यों लाई? मैं थोड़ी लेकर आई हूं, शाजेब को याद कर रही थी तो वासिफ ले आया उनको मिलवाने के लिए। शाजेब ने जिद करके उनको रोक लिया। तुमने ही सिखाया होगा उसे। हम क्या क्या है, किसके कपड़े? मेरे दोस्त की मंगेतर के हैं। साइज का सूट दिया उन्होंने साथ में, तुम सी कर दे दे। ठीक है। रक्षी, वैसे तुम भी ना कमाल ही कर देती हो, मजाक मजाक में अपने कपड़े उठा के तुमने नसीर की बीवी को भिजवा दिए। अच्छा है ना, घर में बैठे बैठे कपड़े सिल जाएंगे। वैसे भी अपना टेलर इतने नखरे दिखाता है और कपड़े भी ढंग से नहीं सीता। अच्छा, और तुम्हें इस बात का कैसे पता है कि उसकी बीवी तुम्हारे कपड़े बिल्कुल सही सिएगी? अरे बेवकूफ लड़की, पहले उसे बोलती कि एक सूट तो सी दे कोई सादे वाला, ताकि पता चल जाता फिटिंग कैसी है और सीधी कैसे। अच्छा बोल दूं। ये किसका सूट है? मेरे दोस्त की मंगेतर का है।
उनका टेलर उन्हें परेशान कर रहा था तो मैंने उनसे कहा कि मुझे दे दो असमासी देके। अच्छा वो तुम्हारा दोस्त वो रहीम, उसकी शादी नहीं हुई थी ना अभी तक? नहीं अम्मी, कोई और दोस्त है, आप उसे नहीं जानते। अच्छा, बहुत प्यारा सूट है ना अस्मत? बहुत नफीस काम हुआ मैं। कितने का होगा ये नसीर? मुझे क्या पता अम्मी। अच्छा पूछ कर बताना कितने का है और कहां से मिलेगा। आपको क्या करना है? वलीद की बरी में रखूंगी ना। हेलो। हेलो, मैं दुकान पे पहुंच रहा हूँ बस। बीवी सामने तुम्हारे? हाँ। कपड़े दे दिए मेरे? हाँ। कुछ कह रही थी? नहीं। अच्छा मम्मा कह रही हैं कि पहले एक सादा सूट सिलवा के देना ताकि उसकी फिटिंग वगैरह चेक कर लूं। अच्छा एक मिनट अस्मा, अस्मा वो कह रहे हैं कि अभी नाक काटना, पहले एक सादा सूट सी के दे दो फिटिंग के लिए। उनको कह दो कि तुम्हारी बीवी बहुत सलीके से काम करती है और जो नाप दिया है ना उससे इतना सा भी फर्क नहीं होगा, जरा भी ऊंच नीच नहीं होगी, बेफिक्र रहें। ये बेबी बाजी की आवाज है ना, क्या कर रही है तुम्हारे घर में? मैं दुकान पे पहुंच कर बात करता। मामा मैंने इससे कहा भी था कि अपनी अम्मा को अपने घर मत लाना। अरे अक्षय, ये बेबी बाजी क्या नसीर के घर आई थी? बस समझ जाओ, अब तुम देखना वो अपने बेटे को फिर अपनी मुट्ठी में कर लेंगी और ऊपर से तुमने अपने सारे कपड़े भी उठा के भेज दिए। अरे भाई सुबह सुबह ना मेरा दिमाग मत खाओ, बार बार एक ही बात मत दोहराया करो है? और तुम देखना यही जोड़ा पहन के ना बेबी बाजी से मुंह दिखाई लेने जाऊंगी मैं। शुरू हो जाती है सुबह सुबह। मुझे तो वीनेश की शादी का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसका दूल्हा भी बस एम ही है। हाँ ना, तभी तो वो किसी को पिक्चर नहीं दिखा रही थी। हाँ और मैं तुम्हें एक और बात बताऊं? तनी क्या बता रही थी, घर क्यों नहीं आ जाती, हम बैठ के बातें करेंगे। घर घर पे तो तुम्हारी वो सास होंगी, खुलकर कहाँ बात हो सकेगी। अरे मैं तो तुम्हें बताने भूल गई, वो चली गई। कब? कल, कल ही तो गई है। अच्छा इसीलिए तुम इतना चहक रही हो। हाँ यार वो बस ना लाइबिलिटी बन गई थी, अब हम कहीं पे भी जाएं उनको बताना पड़ता था, उनके लिए खाना तैयार करना पड़ता था, हम लेट भी नहीं आ सकते कहीं से इसलिए क्योंकि वो घर पे होती हैं, उनका ख्याल रखना पड़ता है ना फिर। अच्छा तो अब वो किसके पास रह रही? अस्मा भाभी क्या भेजा है उन्हें? अस्मा भाभी खुद तो आ ही नहीं रही थी, बात टाले जा रही, लेकिन वासिफ के हाथ मैंने कल उनको भिजवाया है। चलो ठीक है फिर मुलाकात होती है, चलो आ जाना। ओके ओके हाफिज।
इश्फाक पानी लेके आना यार। कहाँ अमीन भाई के पास गए थे? नहीं, असील की तरफ गया था। सोच रहा था कि अमीन भाई का माल जो है अपनी दुकानों पर रखवा देंगे। फिर क्या कहा नसीर भाई ने? नसीर साहब दुकान पे ही नहीं थे, इंतजार कर करके थक गया, उसको फोन किया, फोन तक नहीं उठाया मेरा उसने। बात बताऊं, इसके बस का काम नहीं है, इसका धंधा ठप हो जाएगा यार। सेल्समैन बता रहा था कि दुकान भी 2-3 घंटे के लिए आता है चला जाता है। तो भाई इस माल का क्या करना है फिर? आमकाई गोदाम के रखा है। करते हैं यार, देखिए मैं एक काम करता हूँ, मैं वलीद को फ़ोन करता हूँ, बोलता हूँ लाहौर में कोई पार्टी ढूंढ के ना माल उधर दे दे। ये ठीक है। लाना तो भाई, हराम है जब कभी गैस आ जाए। बिजली से कम परेशान थे जब गैस भी चली गई है। हाँ बोलो अजरा। हाँ जमाल, वापसी पे आते हुए ना जरा आप खाना लेते आना रात के लिए। क्यों भाई, घर पे खाना बनाओ। भाई गैस नहीं आ रही, अब क्या मुंह से आग निकाल के बनाओ खाना? मुंह से तो हर वक्त आग निकालती रहती हो तुम, हर वक्त तो अंगारे होते हैं, बना लो। तो पे ना कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना मुझे बातें सुनाने का। बच्चों को मैंने डबल रोटी पे मक्खन और चीनी डाल के दे दिया, अगर तुमने भी वही खाना है तो ठीक है, मत लाओ खाना। फिर ले आऊंगा भाई, ले आऊंगा यार। अच्छा मेरे लिए ना मगज नहीं आ रही, ले आना, अपने लिए तुम्हारी मर्जी। मेरा मगज खा के भी तुम्हारा दिल नहीं भरता, मजीद तुम्हें मगज नली नहीं आ रही चाहिए। क्यों तुम्हें बैठे हो, क्या तुम्हारे बनाए हुए जूते तुम्हारा कोई गाँव तुम्हारे सर पे पटक के चला गया है? चल ले आऊंगा मैं। मतलब बेड़ा हरक करे इन लोगों का, ना बिजली ना गैस ना खाना ना पैसा, कुछ भी तो नहीं बचा इस मुल्क में। यार मैं क्या करता, जब मैं गया तो वो पहले से ही वहां पे थी। कितने दिनों के लिए आई है बेटा? इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मामा के कहने का मतलब है कि कहीं अपना बोर या बिस्तर समेट के हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने तो नहीं आ गई वो? नहीं नहीं, बस वो थोड़े दिनों बाद चली जाएंगी। अच्छा वो मेरे कपड़े लेके गए थे? नहीं, शक तो नहीं हुआ, साथ सवाल जवाब तो नहीं किए? नहीं, सिर्फ ये पूछा कि किसके हैं। तुमने क्या कहा? वही जो तुमने मुझे कहने को कहा, दोस्त की मंगेतर की। वाह भाई वाह, अपनी नवे से तुम पे, यानी इसने जो तुमसे कहा और तुमने जाके बता दिया। अगर किसी को कुछ पता चल गया कि इसके कपड़े हैं तो क्या कयामत आएगी, कुछ पता भी है? ओहो मामा, उन कपड़ों पे मेरी पिक्चर थोड़ी लगी है कि किसी को कुछ पता चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? हाँ ये भी है। अच्छा मैं तैयार होके आती हूँ, शॉपिंग पे चलते। नहीं अभी नहीं, मैं दुकान से हुआ हूँ। एक्चुअली सेल्समैन का मैसेज आया था कि जमाल भाई आकर बैठे हुए हैं मेरी दुकान। क्यों भाई, जमाल भाई किस खुशी में आए? पता नहीं, कॉल्स भी कर रहे थे, मैंने जानकर नहीं उठाई कि फोन पे डांटना शुरू कर देते कि तुम दुकान को छोड़ के कहाँ घूम रहे हो। भाई इसमें डरने वाली कौन सी बात है, तुम्हारी दुकान है, तुम मालिक हो, तुम्हारी मर्जी, जब भी जाओ। क्यों मामा? हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, पता नहीं, जाके पूछता हूँ क्या काम है। चलो मैं आता हूँ। पाचरा वो परवेश का नंबर ब्लॉक कर दिया था? हाँ हाँ, वो तो उसी दिन कर दिया था मैंने। ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर जल्दी आना। जल्दी ही आऊंगा। अच्छा आंटी, अल्लाह हाफिज। देखा इसको,
इधर फोन आया और उधर यूं निकलने की। मैं तुझे समझा रही हूँ, अभी ये हरकतें हैं शादी के बाद, ये तुझे छोड़ के ये जा वो जा। ओहो मामा, मुझे कौन सी इस बोंगे से शादी करके सारी जिंदगी गुजारनी है? 10 लाख रुपए खड़े करूंगी और चलता करूंगी इसको मैं। सिबी फ्लैट तो अपने नाम है, खाम खा टेंशन मत लिया करो। कम वक्त चाय का कमसाया कर गया। तौबा, हवाइयां उड़ी थी उसकी। अच्छा हुआ तुमने कॉल कर लिए, पहले ना अम्मी से बात कर लो। अच्छा भाभी अम्मी यहीं पर ही है? हाँ हाँ, नमाज पढ़ रही हैं अभी। अच्छा, शाजेब की मिड टर्म हो गए? हाँ हाँ, पास भी हो गया। अरे माशाल्लाह, मैंने नमाज पढ़ी है, ये लो बात करो। ला। हाँ बेटा। नहीं नहीं, वीडियो कॉल है, सामने से पकड़े। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, खैरियत से हो ना तुम? वाह भाई, बड़ी सैर हो रही है, कभी एक बेटे की तरफ तो कभी दूसरे बेटे की तरफ। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप अस्मा भाभी की तरफ हैं। बस कल ही आई हूँ। शुक्र है भाभी, आपकी वजह से वीडियो कॉल पे बात हो रही है, वरना अम्मी को मैं इतना समझाता हूँ, इनको वीडियो ऑन करने नहीं आती। तुम अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रख रहे हो बेटा, दुबले दुबले से लग रहे हो। औलाद चाहे जितनी भी मोटी हो, माँ को हमेशा ही कमजोर लगते हैं। अच्छा ऐसी बेकार बातें मत करो, अपने खाने का बहुत ख्याल रखना, अपनी सेहत का भी। वलीद, दुकान कैसी चल रही है? जी भाभी, कराची से भी ज्यादा अच्छी चल रही है। अब्बू के दोस्त बता रहे थे कि उन्होंने अब्बू से कहा था कि यहाँ वाली दुकान कराची से भी ज्यादा अच्छी चलेगी। और क्यों नहीं चलेगी, जब मेरा बेटा अपने अब्बू की तरह से इतनी मेहनत कर रहा है तो दुकान तो चलेगी चलेगी। अब तो मैं और भी मेहनत करूंगा, आपने कहा था ना कि अपने भाइयों की तरह सेट होकर दिखाओ, अब देखें बस। अब आप, और वैसे भी अब तो मुझे इत्मीनान हो गया है कि आप अस्मा भाभी की तरफ हैं। अच्छा भाभी सुने, हो सकता है मैं अगले हफ्ते चक्कर लगाऊं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। अरे नहीं बेटा, अभी कोई जरूरत नहीं आने की, अभी तुम वही रहो, इस तरह से आओ जाओगे ना तो काम में हर्ज होगा। अच्छा बेटा, मैं जरा अपनी नमाज मुकम्मल कर, तुम अपनी भाभी से बात करो। हैं? अच्छा भाभी सुने, आपकी समन से बात हो रही है? हाँ होती रहती है। अच्छा चले, अब दोबारा उससे बात हो तो पूछिएगा कि वो मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रही, ना कॉल उठा रही है। हाँ पूछूंगी, वो हो सकता है उसके एग्जाम्स चल रहे हो या फिर तुम्हें तंग कर रही होगी। बात होगी ना तो फिर पूछूंगा। अच्छा अब मैं बाद में बात करूंगी तुमसे, ठीक है, खुदा हाफिज़। भाभी सुने, अम्मी से कहिएगा कि दुआ करे मेरे लिए। बिल्कुल, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अम्मी आप तो इतना याद कर रही थी वलीद को, फिर उसको आने से मना क्यों किया? बेटा वो आएगा यहाँ और देखेगा कि मैं किस तरह से दर बदर हो रही हूँ, एक भाई के घर कभी दूसरे भाई के घर, तो उसे बहुत तकलीफ होगी और मैं उसे तकलीफ नहीं देना चाहती। अच्छा है वो यहाँ ना आए, अपने काम में लगा रहे।